हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मालूम करेंगे कि यदि थ्री फेज एमयू लोको में लीडिंग लोको या मास्टर लोको फेल हो जाए तो गाड़ी काम कैसे करेंगे, यानी ट्रेलिंग लोको स्लैब लोको के द्वारा गाड़ी काम किस प्रकार करेंगे। तो आइए मालूम करते हैं लीडिंग लोको फेल हो जाने पर गाड़ी काम कैसे करेंगे। पहले एमसी ऑफ एंड ऑन करके देखेंगे, यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आगे गाड़ी काम कर सकते हैं, लेकिन एमसी ऑफ एंड ऑन करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आगे कैसे काम करना है इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मालूम करेंगे। पहले हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। पहले इसका प्रॉब्लम मालूम कर लेते हैं। मेन पावर आइसोलेट हो जाता है, जिसके चलते VCB क्लोज कंडीशन में ही ट्रैक्टिव इफर्ट नहीं आता है, लेकिन कैब वन एंड कैब टू जो भी लीडिंग हो वो आइसोलेट नहीं होता है, वो वर्किंग रहता है। ऐसा कंडीशन में आगे गाड़ी कैसे काम करना है इसके लिए पहले इसका प्रोसीजर मालूम कर लेते हैं। ट्रेन को स्टॉप करेंगे, उसके बाद VCB ओपन करेंगे। VCB ओपन करने के बाद पेंटो को लोअर कर देंगे, उसके बाद MCE को ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ MCE। इसके बाद वन पैनल में 154 स्विच जो है उसका पोजीशन चेंज करेंगे, वन एंड टू पोजीशन करेंगे, जिससे बोगी वन एंड बोगी टू इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो जाएगा। इसके बाद फिर MCE को ऑन करेंगे। MCE ऑन करने के बाद एज पर प्रोसीजर लोको को एनर्जाइज करेंगे, यानी कि 504 आएगा तो ZPT को ऑन करेंगे, पेंटोडेज हो जाएगा, और 550 आएगा तो BLDJ के द्वारा VCB को क्लोज करेंगे। VCB क्लोज होने से लीडिंग का LSDJ लैंप ग्लो ही रहेगा, क्योंकि लीडिंग लोको में तो प्रॉब्लम है, इसलिए लीडिंग लोको एनर्जाइज नहीं होगा और पीछे लोको एनर्जाइज हो जाएगा। लीडिंग लोको के द्वारा ट्रेलिंग लोको एनर्जाइज हो जाएगा और लीडिंग लोको में डिस्प्ले मैसेज में मैसेज आएगा लो प्रेशर पेंटो, या मैसेज आ सकता है फाल्टी पेंटो, और साथ में मैसेज आएगा F0103P1 और साथ में LSFI ग्लो होगा। तो हम BPFA को दबाएंगे और फॉल्ट को एक्नॉलेजमेंट करेंगे। इसके बाद हम BPPB प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेंगे। इसके बाद हम रिवर्सर को रिक्वायर्ड डायरेक्शन सेट करेंगे। इसके बाद हम लीडिंग लोको द्वारा थ्रोटल ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके ट्रैक्टिव इफर्ट को चेक करेंगे। सभी प्रोसीजर लीडिंग लोको में ही करना है, ट्रेलिंग लोको में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेलिंग लोको का ट्रैक्टिव इफर्ट या ब्रेकिंग इफर्ट लीडिंग लोको के द्वारा लीडिंग लोको में ही देख सकते हैं, मीटर में देख सकते हैं, या सिमुलेशन मोड सेट करके भी डिस्प्ले स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सुविधा कॉन्वेंशनल लोको में नहीं होती है। इसके बाद हम SA9 को रिलीज करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे, लेकिन इसके लिए नोट एक मालूम रखेंगे, ऑल इक्विपमेंट एंड फंक्शन की सप्लाई मास्टर लोको द्वारा होती है, इसलिए बैटरी का यूज ज़्यादा होता है। लीडिंग लोको फेल है, VCB ओपन है, इसलिए बैटरी चार्ज नहीं होगा, इसलिए ओनली ब्लॉक सेक्शन ही क्लियर करेंगे। मैक्सिमम 1 से 2 घंटा ही काम करेंगे। इस प्रकार हम लीडिंग लोको फेल होने पे गाड़ी काम करेंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।